यमुनानगर में परशुराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने की शिरकत। आरक्षण पर बोले वत्स, कहा प्रतिभावान को आरक्षण की जरूरत नहीं। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बांटे सर्टिफिकेट, 1725 अभ्यर्थियों को बांटे के सर्टिफिकेट। उद्योग मंत्री विपुल गोयल का दावा, स्किल डेवलपमेंट में जल्द पहले स्थान पर होगा हरियाणा। चरखी गांव में पेयजल की समस्या, ग्रामीणों ने मटका फोड़ किया प्रदर्शन। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में जलघर तो है लेकिन पानी नहीं। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव का बयान, कहा अहिर रेजिमेंट का गठन जरूरी। सम्मान रैली में तबीयत बिगड़ने के बाद महिला की मौत, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला। महिला सम्मान और अधिकार रैली का था आयोजन। रेवाड़ी में हनी ट्रैप का खुलासा, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला गिरफ्तार। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को किया बरी, महिला ने की थी 70 लाख रुपए की मांग। देश के 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अंदेशा, मौसम विभाग के बाद गृह मंत्रालय ने भी दी चेतावनी, कई शहरों में जताई तबाही की आशंका। भारी तूफान और बारिश के अलर्ट के बाद से हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेश, 2 दिन हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। इंद्री में नगर पालिका के 12 वार्डों पर चुनाव, चुनाव में उतरेंगे 37 प्रत्याशी। प्रत्याशियों को बांटे गए चुनाव चिन्ह, आचार संहिता का उल्लंघन न करने के निर्देश। सरकार जगह जगह करवा रही शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच जाने से फैलती है बीमारी, लोगों को किया जा रहा जागरूक।